देख रहे हैं प्राइम स्टोरी। चिकित्सकों के अभाव में बीमार हो चुके ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय में राइट टू हेल्थ संस्था का आमरण अनशन पांचवें दिन भी जारी रहा। अन्ना आंदोलन की तर्ज पर ऋषिकेश के सरकारी हॉस्पिटल के प्रांगण में शहर की विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से राइट टू हेल्थ संस्था के तत्वाधान में चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग को लेकर लहराते तिरंगे के बीच चिकित्सालय प्रांगण में बेमियादी धरना मंगलवार को भी जारी रहा। कांग्रेस पार्टी सहित विभिन्न राजनीतिक, गैर राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि आज बड़ी संख्या में आंदोलन में सहयोग की घोषणा के साथ साथ अनशन में भी शामिल हुए। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे नारों से धरना स्थल गूंजता रहा। विभिन्न समस्याओं से जुड़े अनशनकारी विनोद जुगलान ने बताया कि पिछले 9 माह से गढ़वाल सभा के मुख्य द्वार ऋषिकेश का राजकीय चिकित्सालय पूरी तरह से चिकित्सक विहीन हो रखा है। चार धाम यात्रा शुरू होने का है, लेकिन इसके बावजूद प्रदेश सरकार की नजरें गढ़वाल के इस महत्वपूर्ण चिकित्सालय की ओर इनायत नहीं हो पा रही। इस संबंध में उप जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन प्रेषित किए जाने के बावजूद सरकार इस महत्वपूर्ण चिकित्सालय की ओर पूरी तरह से आंखें मूंदे हुए है, जिसकी वजह से गढ़वाल के इस महत्वपूर्ण चिकित्सालय पर निर्भर हजारों रोगियों को निजी अस्पतालों में महंगे उपचारों के लिए विवश होना पड़ रहा है। संस्था इस मामले को लेकर अब आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर चुकी है। उन्होंने बताया कि शासन प्रशासन द्वारा आंदोलन को कुचलने की तैयारी की जा रही है, जिसे किसी सूरत हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के ऋषिकेश से मिसूरी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी।